हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हॉर्स रेसिंग सीक्रेट्स। तो कल है 10 फरवरी। कल दो सेंटर है, बेंगलोर और मद्रास। तो बेंगलोर और मद्रास कार्ड का एनालिसिस के पहले आज का जो मैसूर में जो कुछ हुआ, मैं कुछ रिजल्ट्स पे ध्यान देना चाहूँगा। तो फर्स्ट रेस में मैंने बताया था लाइक माय डैडी मुझे पसंद है। तो ये विन हुआ था, आई थिंक 150 से 80 पैसा हो गया था और जीत गया था इजीली। सेकेंड रेस में मैंने बताया था सुपर सेक्सी और एक शिवालिक साउंड दोनों के बीच में मैच है, तो सुपर सेक्सी विन हुआ था। थर्ड रेस में आई थिंक मैंने इंडियन ड्रीम्स बताया था विन के लिए, बट मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में बताया था कि अवॉइड करना, क्योंकि ब्लू ब्लॉसम फेवरेट हो गया था तो हम लोग ने अवॉइड किया था रेस। अगेन फोर्थ रेस में भी मैंने नंबर 3 फेवरेट था तो मैंने अवॉइड करवाया था, और शायद इसमें मैंने ही हैज़ डन इट विन प्लेस के लिए बोला था तो सेकेंड हुआ था। फिफ्थ रेस में मैंने 2-3 घोड़े बताए थे, डाला शमा शरीफ बैठा था और मैंने बताया था आई थिंक डलास और डेमोस बताया था, थियास ग्लोरी बताया था, और डलास प्लेस में आया। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ना ये बताया था कि यहाँ पर कोई अप्रेंटिस जॉकी घुस सकता है, तो मैं बता था व्हाट्सएप चैट मेरा ट्राई अप्रेंटिस जॉकी दिस रेस के लखन फॉर आउटसाइडर्स। तो यहाँ पर एडी द ईगल विन हुआ था। ओके, देन सिक्स्थ रेस जंग फ्रो जॉक, ये तो ऑन मनी फेवरेट था तो मैंने अवॉइड करवाया था। मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि ऑन मनी फेवरेट खेलो, तो ये रेस स्किप किया था। एंड सेवन्थ रेस में मैंने टर्फ लेजेंड प्लेस के लिए बोला था, प्लेस आया था, यहाँ पर मास्टर विक्ट्री विन हुआ। एंड 8th रेस में मैंने मिरेकलेस गर्ल मुझे पसंद है बताया था, बट कुछ सजेशन नहीं किया क्योंकि ऑन मनी फेवरेट हो गया था। तो ये था मैसूर का रिजल्ट, काफ़ी अच्छा भी नहीं था बट ओवरऑल एवरेज था, पैसे बने पंटर्स के। तो अभी आते हैं फर्स्ट में बताता हूँ बेंगलोर का रेस कार्ड। तो बेंगलोर का रेस कार्ड मैंने बना है, तो फर्स्ट रेस है 2:15 बजे बेंगलोर का रेस कार्ड। बहुत ही ट्रिकी रेस है, क्लास 5 की रेस है, 1200 मीटर का रेस है। यहाँ पे नंबर 1 अल्टीमेट स्ट्राइकर जो कि क्लास 4 से 5 में आया था लास्ट टाइम, 3.5 के भाव पे लगा था और कुछ कर नहीं पाया था, ये स्ट्राइक कर सकता है बट। और स्पीकिंग ऑफ स्काइस, इसका ट्रैक बहुत ही अच्छा है, रिसेंटली अरशद आलम बैठा है, तो ये शायद नंबर 3 फर्स्ट रेस में नंबर 3 प्लेस के लिए या विन और प्लेस लॉन्गर ऑड्स के लिए मुझे पसंद है ये। और एक घोड़ा मुझे पसंद है यहाँ पर, वो है बैरोनेस। देखो 2 बार हार चुका है, 3 बार मतलब नहीं लग के हारा है, 1 बार 1.5 के भाव में, फिर 1 बार 2 के भाव में, और 1 बार नो वीप रेस के टाइम पे शायद पार्टिसिपेट नहीं किया था। अभी अंगद से सीधा केस आई किरण पे, तो बैरोनेस भी कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। तो फर्स्ट रेस में मुझे नंबर 3 स्पीकिंग ऑफ स्काइज और नंबर 9 बैरोनेस पसंद है। ड्यूरिंग द रेस टाइम मैं बताऊंगा किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं, अभी मेरे पास ऑड्स भी नहीं है बेंगलोर के। अगेन सेकेंड रेस है 1400 मीटर क्लास 4 की रेस है कटाना। अगर ये फेवरेट होगा तो ये लोग नहीं जीतेंगे, बहुत ही ख़राब कंपनी है मार्टन सिंह महिंद्रा, रीना महिंद्रा, इनका एक घोड़ा आई थिंक कौन सा था कांगरा, जिसने इनविटेशन कप अपसेट किया था 32-1 में कलकत्ता में। एनीवेज कटाना 1600-1400 में फेवरेट था, देखो हाफ मनी में ऑल अबाउट अदर को हार चुका है, तभी 60.5 पे था, अभी 61 पे, ऑल अबाउट हर यहाँ पर 55.5 पे था तभी, एस एंटोनी रास्ते एस जॉन है, तो ऑल अबाउट हर भी और कटाना भी है, दोनों भी अच्छे घोड़े हैं ये रेस में, दोनों के बीच में मोस्ट प्रोबेबली मैच होना चाहिए। आउटसाइडर कोई आ सकता है तो मार्को पोलो, तो ये रेस भी काफ़ी ख़राब लग रहा है मुझे, तो ये स्किप कर देना। स्काई फायर भी है प्लेस में, कभी भी घुस सकता है, तो इट्स बेटर टू स्किप दी रेस। थर्ड रेस आते जो कि मेडन रेस है, नहीं सॉरी ये क्लास 5 की रेस है, 1200 मीटर की रेस है, यहाँ पर
नंबर थ्री ससेक्स और 100 फ्लावर्स का बच्चा है, बट यहाँ पे मुझे एक घोड़ा पसंद है, उसका नाम है चीसॉक्स। क्योंकि चीसॉक्स शायद 2 बार लगा था क्लास 5 में, दोनों बार थर्ड हुआ है चौवा नारुल से। अभी एले रोजारियो पे अप्रेंटिस जॉकी है, लॉन्गर ऑड्स चाहिए इसको जीतने के लिए, तो ये रेस भी थोड़ा सा ट्रिकी ही है। मैं बोलता हूँ बैंगलोर का रेस कार्ड और मद्रास का दोनों रेस कार्ड कल क्या दिन ही बहुत ट्रिकी है, अगर कोई फेवरेट ऑन मनी और कुछ रहता है तो अवॉइड ही कर देना। लॉन्गर ऑड्स पे किसी अच्छे जॉकी को अपन ट्राई करते हैं, ये अप्रेंटिस जॉकी को ट्राई करते हैं विनर प्लेस के लिए। बहुत ही ख़राब लग रहा है मुझे कार्ड। सेंटोरिनी सीक्रेट ये घोड़ा थोड़ा नहीं, इसको भी अवॉइड कर देना। फोर्थ रेस 1400 मीटर क्लास 4 की रेस है, मेगा सक्सेस, अच्छा घोड़ा है बट ये जॉकी बहुत ही ख़राब है, कभी नहीं आता, विन नहीं करता। देन लिमिटेड एडिशन, इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, 54 से आई थिंक लास्ट टाइम ये 5 के भाव में स्लो हुआ और सितारा को 5th था स्लो आउट, बट अभी जॉकी अंजार आला में एवरेज जॉकी है, नहीं चला था मोस्टली। देन नोबल रूलर, नोबल रूलर पी किरण राय से नीरज रावल है, थोड़ा सा पॉजिटिव है ये घोड़ा। और यहाँ पर एक घोड़ा मुझे पसंद है, वो है टॉप डांसर, ओके, डॉक्टर सुरेश चिंतामणी का ट्रैक में बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, एक जॉन बैठा हुआ है। तो फोर्थ रेस में 9 विन और प्लेस के लिए मुझे पसंद है, बट अगेन ये मैं ड्यूरिंग द रेस टाइम ही बताऊंगा, इतना मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। तो कार्ड ही मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। 5th रेस आते 1200 मीटर का रेस है, क्लास 3 की रेस है, हाचेन लास्ट टाइम जीता था, सी उमेश बैठा था इस पे, 57 से 62 पे गया है, बट अगर अप्रेंटिस सलमान खान को बिठाया है इस पे, तो मुझे नहीं लगता ये घोड़ा वापस से जीतेगा। सिल्वर ड्यू बहुत दिन से ड्यू है जीतने के लिए, लास्ट टाइम भी सी एस जोधा ने बहुत ही ख़राब चलाया था इसको, रिकॉल ऑफ यू, द सोवरीन, ORB, देन वॉच माई स्टार, कैविलिनी, सब अच्छे घोड़े के साथ भाग चुका है ये, कल जीतना चाहिए। ये घोड़ा बहुत दिन से ड्यू है, मुझे पसंद है ये लॉन्गर, एटलीस्ट भाव 5-1 तो रहना चाहिए, 5-1 और 80 पैसा प्लेस, तो ये लोग ट्राई करेंगे इसमें। और एक घोड़ा अपसेट कर सकता है, वो है विंग्स ऑफ डिज़ायर, जो कि 108 में सेकेंड था, अभी सेम वेट 1 किलो ज़्यादा है अरशद आलम से, अरशद आलम ही है ये, आचेन से बेटर है हैंडीकैप में विंग्स ऑफ डिज़ायर। तो विंग्स ऑफ डिज़ायर और सिल्वर ड्यू में मेरे को लगता है मैच होना चाहिए। और यहाँ पर शायद गैलेक्टिकल पे आई थिंक पीट रेवर बैठा हुआ है, बट ये पीट रेवर का घोड़ा जो है हैट्रिक कर चुका है, मुझे नहीं लगता 4th टाइम जीतेगा, बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी हो जाएगी इसको, तो अवॉइड कर, शायद गैलेक्टिकल कल फेवरेट होगा तो मुझे नहीं लगता वो जीतेगा, ठीक है। 6th रेस में मुझे 1 अपसेट के लिए पसंद है, कैंस्ट ब्रदर थी नाम से, पहले नील दाराशा के पास था, अभी नील दाराशा से शरद कुमार के पास आया है, और अजीत कुमार एम नवीन से अभी थोड़ा सा एवरेज जॉकी अच्छा बिठा है आर्यन दर्शन। ये लोग देखो, एक घोड़ा क्लास 3 का है, अभी क्लास 4 में एंट्री किया है, बहुत ही क्लास ड्रॉप किया है इसका, स्ट्राइक कर सकता है एनी टाइम। यहाँ पे और एक घोड़ा है, वो है मिस्टिक आई, लास्ट टाइम 1400 मीटर जीता था, अभी सेम वेट पे जा रहा है, ये भी घोड़ा ट्राई पे रहेगा। अगर ये पेयो घोड़ा कल अगर फेवरेट रहेगा तो खा लेना इसको, सूरज बैठा है, ज़रा भी नहीं पसंद है पेयो, लास्ट टाइम 15 के भाव में अपसेट किया था ये घोड़ा। तो 6th रेस में मुझे 1 स्ट्राइक रेट और 5 ओन लेगेसी, ये दोनों घोड़े पसंद है, मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा अभी, विन खेलो या प्लेस खेलो। ड्यूरिंग द रेस टाइम मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सजेस्ट कर लूँगा, अगर मुझे कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ चांस लेना चाहिए तो मैं मैसेज करूँगा खेलो करके। और मैं तो हमेशा अवॉइड ही करता कि हर रेस खेले, देखो दिन में एक या अगर 7 रेस है तो आप 2 या 3 ही खेलो, बट जिसमें पैसे बने वही करो, सब हर रेस खेलने जाओगे तो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि रेस कार्ड ही ऐसा डिज़ाइन हुआ रहता है कि जिसमें
एक अप्रेंटिस जॉकी तो विन लेता ही है पूरे दिन में। देखो आज के लखन ने भी विन ले लिया था मैसूर में, ऐसे कोई ना कोई हर एक सेंटर में एक अप्रेंटिस जॉकी तो विन लेता ही बड़े ऑड्स पे। तो आज के लखन का दिन था। आते सेवेंथ रेस में, सेवेंथ रेस अगेन 1200 मीटर की रेस है ये। अपोलो लाइट लास्ट टाइम 1800 मीटर में भगाया, पहले स्टार्टिंग में उसने फ्रंट भागा है, फ्रंट भाग के फिर उसका रॉन्ग डिस्टेंस था, अभी करेक्ट डिस्टेंस पे आया है। तो नंबर वन अपोलो लाइट मुझे पसंद है प्लेस के लिए। और यहाँ पे मुझे और एक घोड़ा पसंद है कंप्लायंस, जो कि क्लास फोर से अभी क्लास फाइव में आ गया है और ये रिकॉल ऑफ यू शिवालिक और लकी चांस के सामने भागा है। और जॉकी स्विच नहीं, जॉकी तो वही है बट ये अच्छी क्लास में भागा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस अच्छा है, जीत सकता है। डेविल्स मैजिक भी अच्छा है यहाँ पर इसका ओवल, बट कुछ किया नहीं है घोड़े ने। क्लास फाइव में भी थर्ड हुआ था सवा के भाव में, एस जॉन बैठा था। तो ये भी रेस काफ़ी ट्रिकी है, देखो एक घोड़े में तो है ही नहीं, दो तीन घोड़े आते हैं रेकनिंग में, तो बहुत ही मुश्किल होता है कार्ड बन देख मतलब बेटिंग करना। सो ये भी रेस अवॉइड ही करना। तो ये तो बेंगलोर का रेस कार्ड हो गया। आते हैं मद्रास रेस कार्ड में। मद्रास रेस कार्ड में फर्स्ट रेस में देखो ये शायद फेवरेट होगा, राइसीना आदिराज, फाइव स्टार शिपिंग कंपनी और सी एस जोधा। मुझे नहीं पसंद है ये कंपनी, फाइव स्टार शिपिंग धनजी भाई की कंपनी फेवरेट, और वो भी मद्रास में बहुत ही कम जीतती है। तो यहाँ पे मुझे प्लेस के लिए पसंद है वो घोड़ा डेमेस्टिनिस। डेमेस्टिनिस बहुत ही अच्छा घोड़ा, साई कुमार बैठा हुआ है, ये प्लेस के लिए ट्राई करेगा। तो कल फर्स्ट रेस में नंबर एट प्लेस खेल लेना लॉन्गर रोड से, डेढ़ का भाव रहेगा प्लेस का। आते हैं सेकेंड रेस में, अगेन 1400 मीटर का रेस है। सक्सेशन जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी मुंबई में भाग चुका था, फिर यहाँ पर आके 1200 मीटर क्लास फोर की रेस जीता, देन क्लास फोर डिवीज़न वन में ये कुछ कर नहीं पाया था। यहाँ पर मुझे, यहाँ पर देखो ये हेलुसिनेट फेवरेट हो सकता है, और आर फॉलियर सी उमेश ये कॉम्बिनेशन एज अ फेवरेट नहीं जाते मोस्टली, आर फॉली फेवरेट जाता ही नहीं है, ये ट्रेनर ही ऐसा है, वो भाव में ही जीतता है मोस्टली, मतलब 80% भाव में ही जीतता है, 20% कभी फेवरेट जीत गया तो जीत गया। और यहाँ पर मुझे एक घोड़ा पसंद है पेडिग्री वाइज, और बहुत ही अच्छी कंपनी भाग चुका है वो है सोलमेट, बी सुरेश एस पैती अच्छी कंपनी है, ए इमरान खान भी अच्छा जॉकी है, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी भागा है सोलमेट। आई थिंक 4-1 और 5-1 अब ऑड्स रहेंगे, हेलुसिनेट में भी 1.5-2 का भाव रहेगा। देखो मद्रास एक ऐसा सेंटर है ना, यहाँ पे फेवरेट बहुत कम आते हैं, अगर 6 रेस है तो 4 रेस फेवरेट हो गए ही नहीं, लिख लो मेरी बात, यही ट्रेंड है मद्रास का। मेस्कल भी अच्छा कंपनी भाग चुका है, कि विक्रम जॉकी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये अवॉइड करना इसको। आते हैं थर्ड रेस में, थर्ड रेस 1400 मीटर की रेस है। मुझे यहाँ पर मिस्टर कूल पसंद है, मिस्टर कूल 1600 मीटर भी जीत चुका है, और लास्ट टाइम क्लास टू में पेंसे के पीछे भागा था, अभी 10.5 किलो ज़्यादा है और 200 मीटर ज़्यादा है, फिर भी ये मुझे विनर प्लेस के लिए पसंद है। यहाँ पर ये शायद फेवरेट हो सकता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, स्टील से एल्यूमिनियम हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि मतलब ये घोड़ा कुछ करेगा। अनिल कुमार का ये घोड़ा, अनिल कुमार आई थिंक पहले मुंबई में डॉक्टर था, वेटरनरी डॉक्टर था मुंबई स्टेबल में, अभी वो वहाँ पर ट्रेनर बन गए। यहाँ पर और एक घोड़ा है वो लेडी मेमी, ये शायद फेवरेट हो सकता है ये रेस में, और ये घोड़े ने कुछ गलत नहीं किया है, वापस से इसके ऊपर बहुत ही हैवी बेटिंग होगी। तो नंबर वन मिस्टर कुल यहाँ पर प्लेस कर देना आप लोग, लेडी मिमी फेवरेट हो सकता है, सेंटा क्लारा भी है, कैरेडिनिस अवॉइड करना। देखो ट्रेवर ने भी इसको चलाया लास्ट टाइम, कुछ हुआ नहीं, अभी MS मलम सिंह या MS दोड़ा को बिठाया है यहाँ पर। ल्यू बाय नाइट ये मुंबई का घोड़ा है, बट कुछ कर नहीं रहा है, शायद ख़राब हो गया इसके लिए भेजा है यहाँ पर, अभी तक तैयार हुआ नहीं रहेगा। तो फोर्थ रेस में नंबर वन मिस्टर कुल प्लेस गुड है, और ड्यूरिंग द रेस टाइम अगर मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा।
आते हैं फोर्थ रेस 1200 मीटर मेडन मेडन रेस है, बेरेटिनी, यू कैन अवॉइड दिस हॉर्स, बी शेप का बच्चा है ये घोड़ा, मुझे बहुत पसंद है। वो डार्क सन, जे सबास्टियन एंड सी ए ब्रिसन, ये जॉकी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, बट अगेन देखते कल क्या होता है। देन मार्टिन एंगल, इसके ऊपर निखिल नायडू बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे ये घोड़ा पसंद है, नंबर टू डार्क सन, प्लेस कर देना। जे सी ए ब्रिसन है तो 8 का भाव तो रहेगा, 1.5 की प्लेस तो रहेगी मे बी। यहाँ पर निखिल नायडू या सी उमेश, ये लोग फेवरेट हो सकते हैं। आते हैं फिफ्थ रेस में, जो कि 1800 मीटर की रेस है, चीफ जस्टिस ट्रॉफी है। यहाँ पे घोड़ा ये मुझे पसंद है, वो है एंजेलिनो, सब अच्छी कंपनी के साथ भाग चुका है, जील का जी, नाइट हंड, प्राइसलेस ग्लोरी, माई ओपिनियन, माई ओपिनियन को फेवरेट था और सेकेंड हुआ था। बाकी एम एल डार, डुरंगो, गैलेंट्री डिस्टेंस जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो लोग ट्राई करेंगे। स्पीड एयर से वो लोग ट्राई कर सकते हैं, स्पीड एयर अच्छा घोड़ा है, स्पीड एयर डिस्टेंस भी जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, इसने रेडू बैठा हुआ, यू कैन अवॉइड पेनंग। तो यहाँ पर मुझे नंबर वन एंजेलिनो, बहुत दिन से ड्यू है, जब से ये बेंगलोर से मद्रास आया एक बार भी शायद जीता नहीं है, तो कल शायद लगता है जीत जाएगा। एन आर संतोष राज है, अप्रेंटिस जॉकी, 3.5 का अलाउंस लिया है, 58.5 पे जीतना चाहिए घोड़ा, बट मैं प्लेस सजेस्ट करूँगा इसका। 8 घोड़े तो 3 प्लेस रहेगी यहाँ पर, तो फिफ्थ रेस में नंबर वन एंजेलिनो प्लेस खेल लेना। आते हैं सिक्स रेस, 1400 मीटर, क्लास 5 की रेस है, बहुत ही गंदी रेस है ये, बट यहाँ पर मुझे दो घोड़े पसंद हुए हैं, लेडी ब्लेजर और सिफान, दोनों ही क्लास डीमोटिव क्लास 4 से क्लास 5 में आए हैं, शालियार खान से एस पीटर, एस पीटर मुंबई का अच्छा जॉकी है, और ये अमन -5 पे, ये घोड़ा सिफान क्लास 4 में सेकंड था, अभी ईश्वर सिंह था, अभी अमन बैठा हुआ है, घोड़ा तो रेडी है बट जॉकी समझ में नहीं आ रहा। सो एनीवेज फ्रेंड्स, बहुत ही ट्रिकी कार्ड है कल मद्रास का, तो ज़्यादा कुछ हैवी वेटिंग करना मत। तो मैंने दोनों कार्ड समझा दिए, ऑल दी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग, थैंक यू।